थर्ड एपिसोड में पहले हमें फर्स्ट सीजन का कुछ रीकैप दिखाते हैं, जिसमें न्यूमिनोर की महारानी मिरियल अपनी सेना की टुकड़ी लेकर मिडिल अर्थ जाती है एडर को हराने के लिए, लेकिन इसमें उनकी आंखें चली जाती हैं और साथ में एसिल्डर को भी मरा समझ लिया जाता है। अब दिखाते हैं कि एसिल्डर का घोड़ा बेरेक उसे ढूंढता हुआ एक अंधेरी गुफा में घुस जाता है, जहां पर एसिल्डर को मकड़ियों ने जकड़ रखा था। बेरेक की मदद से एसिल्डर वहां से भागने में कामयाब रहता है। इधर न्यूमिनोर के लोग रानी मिरियल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से न्यूमिनोर को काफी नुकसान हुआ। इधर उनका चचेरा भाई अब राजा बनना चाहता है। मिरियल जब अकेले में अपने पिता के सामान को फील कर रही थी कि तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है, जिस वजह से वो उस कड़े को छुपा लेती है और वो मिरियल की ताजपोशी के लिए पोशाक देकर चला जाता है। इधर जितने भी लोग रानी को पसंद नहीं करते वो सब मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। वेलेंथिल, जो कि रानी का हमदर्द है, इनकी बातें सुन लेता है तो उनकी उनसे बहस हो जाती है। अब अकेले में मिरियल उस कड़े के थ्रू एक गेट ओपन करती है और फिर एल्विस मड़ी के पास पहुंचती है, जिसने ही फर्स्ट सीजन में इन्हें फीचर दिखाकर मिडिल अर्थ भेजा था, पर वहाँ कोई मड़ी नहीं थी। इधर एरेग्योन में ड्यूरिन और दीसा कैलेब्रिम्बोर से मिलने आते हैं। कैलेब्रिम्बोर बताता है, आपने हमारे मुश्किल समय में हमें मिथ्रिल देकर बचा लिया, उस मिथ्रिल से हमने रिंग्स बनाई और वो रिंग्स ने आज हमारे वृक्ष को हरा भरा कर दिया। अब वही मिथ्रिल से हम आपके लिए वो रिंग्स बनाएंगे और फिर वो खाजा दुम को भी बर्बाद होने से बचा लेंगी। पर ड्यूरिन कहता है, आप डायरेक्ट महाराज से बात कीजिए, हम अब अलग हैं। सौरोन यानी एनेडर कहता है, एलरोंड आपकी तारीफ करता है कि आप सबसे बुद्धिमान बौने हैं, क्या ये सच नहीं है? तब ड्यूरिन कहता है, एलरोंड ने कभी तुम्हारे बारे में तो नहीं बताया। इसा बात को बीच में रोकते हुए कहती है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कैलेब्रिम्बोर उन्हें इजाजत देता है। अब बाहर आकर ड्यूरिन कहता है, मुझे ये एनेडर ठीक नहीं लग रहा, एलरोंड मेरी तारीफ कभी नहीं कर सकता और ये जादुई रिंग्स। लीजा कहती है, हम ये मैसेज महाराज तक पहुंचाते हैं, बाकी वो देख लेंगे। एनेडर कैलेब्रिम्बोर से कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, गिल गैलेथ को अगर ये सब पता चल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कैलेब्रिम्बोर कहता है, मतलब क्या कहना चाहते हो? फिर वो बात बनाते हुए कहता है, गिल गैलेथ बौनों को अंगूठी के लायक नहीं समझता, यहाँ तक कि उसने और अंगूठियों के बनाने पर रोक लगा दी है, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। अब कैलेब्रिम्बोर कहता है, ये मेरा राज्य है और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और फिर किंग गेल गैलेथ को लेटर लिखता है कि अंगूठियों ने जो अपना करिश्मा दिखाया उसके लिए बधाई और अब मैंने भट्टी बंद कर दी है। एनेडर कहता है, तुम महाराज से झूठ बोलोगे? कैलेब्रिम्बोर कहता है, लोगों की भलाई के लिए इतना तो करना पड़ेगा। यहाँ कैलेब्रिम्बोर को पता भी नहीं है कि वो कैसे सौरोन के इशारों पर नाच रहा है और सोच रहा है कि सब वो कर रहा है। इधर एसिल्डोर जब बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढता हुआ भटक रहा होता है, तब उस पर एक लड़की अटैक कर देती है उसे ऑक समझकर, लेकिन फिर माफी मांगती है। फिर वो दोनों ही वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। तब उन पर कुछ इंसान हमला कर देते हैं जो कि एडर के गुलाम है, लेकिन तभी एरोंडेल आकर उन्हें बचा लेता है, पर वो लोग एसिल्डोर के घोड़े बेरेक को ले जाने में कामयाब रहते हैं। फिर एरोंडेल उन्हें बाकी लोगों के पास लेकर आता है। यहाँ थियो की मॉम को अंतिम विदाई दी जाती है, जिससे एरोंडेल प्यार करता था। अब खाजा दुम में ड्यूरिन अपने पिताजी से मिलने आता है और उनसे अपने किए की माफी मांगता है। फिर उन्हें कैलेब्रिम्बोर की सारी बात बताता है और कहता है, पिताजी इस बार मैं चाहता हूँ आप उन्हें मिथ्रिल ना दें, आपने पहले भी मुझे रोका था पर मैं नहीं माना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए हमें उनके प्रस्ताव को ठुकरा देना चाहिए। इधर एरोंडेल थियो से बात करने की कोशिश करता है, पर थियो कहता है कि हमें जोड़ के रखने वाली कड़ी अब नहीं रही, इसलिए अब तुम मुझसे दूर रहो। फिर थियो एसिल्डोर से जाकर कहता है, तुम्हें अपना घोड़ा वापस चाहिए तो आज रात को मुझे यहीं मिलना। फिर रात में एसिल्डोर उसी लड़की से बात कर रहा होता है, पर थियो के आते ही वो उसके साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की भी एडर की गुलाम है, पर वो अपना निशान चाकू को गर्म करके जला लेती है। अब थियो और एसिल्डोर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बेरेक बंधा हुआ था। थियो उन लोगों के पास जाकर कहता है, मैं भी एडर का ही साथी हूँ, देखो मेरा निशान। इधर सबका ध्यान भटकते ही एसिल्डोर अपने घोड़े को लेकर भाग जाता है, पर वो लोग थियो की बात पर विश्वास नहीं करते और उसे मारने वाले होते हैं, पर तब तक कोई उन पर अटैक कर देता है और फिर थियो को कोई बड़ा सा क्रिएचर उठा ले जाता है। अब न्यूमिनोर में ताजपोशी वाले दिन सब रानी का विरोध करने लगते हैं। तब एरियन आकर सबको बताती है कि ये इस एल्विस मड़ी से पूछकर ही सारे काम करती है। एलेंडेल अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। इधर फेरेजोन को मौका मिल जाता है और वो कहता है, कोई सच्चा न्यूमिनोर शासक एल्विस मड़ी की बात नहीं सुनेगा, इसे फेंक दो। लेकिन मिरियल उसे फेंकने से रोक देती है। बस तभी सभी लोग फेरेजोन के साथ और मिरियल के खिलाफ हो जाते हैं और अब फेरेजोन वहां का राजा घोषित कर दिया जाता है। एरेग्योन में अब रिंग बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसका मतलब किंग ने ड्यूरिन की बात नहीं सुनी और वो मिथ्रिल लेकर वहां पहुंच गए।
और मिथ्रिल को लेकर उस आग में डालने वाला होता है, पर सौरन उसे अपने हाथों में लेकर कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर उसे आग में डालता है। कैलेब्रिम्बोर को अभी भी ये लगता है कि ये सब मिथ्रिल और उसके हाथों का कमाल है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।